हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर क्या है कि महिलाएं गांव की घूंघट में रहती है, बोलने का भी उनको इतना अधिकार नहीं दिया जाता है कि उनके सामने कुछ बोले। बाहर भी जाएगी तो इतना सारा घूंघट, और घर में भी रहेगी तो इतना सारा घूंघट है। पहले के जमाने में महिलाओं को पढ़ाने के लिए छूट नहीं दी जाती थी, और न ही उनको पढ़ाने का महत्व दिया जाता है कि बस उनको तो घर से कुआं और कुएं से घर, और घर का काम और बच्चों को देखभाल करना है। मेरा नाम अंजू है, मैं मुंगांगड़ा राजस्थान से हूँ। मैं यूएन वुमेन प्रोग्राम SCE में कम्युनिटी एजुकेटर का काम करती हूँ। बचपन मेरा मतलब कि काफ़ी अच्छा था। हम दो बहनें और चार भाई, मतलब कि चार भाई बहन हैं, तो दो सिस्टर है और दो ब्रदर हैं। तो बचपन में मतलब कि जब यहीं से पढ़ी मैं, सरकारी स्कूल से। मैं पाँचवीं तक तो यहीं पढ़ी हुई हूँ इसी गांव में, और उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए बाहर, 12th तक मैंने बाहर पढ़ाई की, जो पास में 2 किलोमीटर गाँव है पुटोली। 12th बाद मेरी शादी हो गई। जैसे ही मैं 18.5 साल की हुई थी तो मेरी शादी हो चुकी थी। ससुराल वालों ने मुझे कॉलेज करवाया था। सेकंड ईयर जब किया था तो मेरा बच्चा 4-5 महीने का था, तो मम्मी जी रखते थे घर पे और मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। और उसके बाद जैसे ही 1.5 साल का हुआ मेरा लड़का, और मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठे बैठे क्या करूँ, तो थोड़ा बहुत कोचिंग का काम भी करती थी घर पे और स्कूल भी जाती थी। गांव में समूह चलने लग गए, स्वयं सहायता समूह। ये महिलाओं के लिए हैं, महिलाओं का ग्रुप होता है, जो भी काम करती है वो महिला ही करती है। फिर हमने भी 10-15 महिलाओं को इकट्ठा करके समूह बनाया। SHG में गांव की महिलाओं से ही पहचान होती है। उसके बाद VU बना, ग्राम संगठन, तो उसमें भी गांव की महिलाएं होती है। फिर मैं फेडरेशन बना, तो फेडरेशन के जैसे ही मैं लीडर बन गई अध्यक्ष, तो वहां एक गांव ना हो के 48 गांव, तो 48 गांव में महिलाओं से काफ़ी पहचान हो ही जाती है कि भाई ये फेडरेशन के अध्यक्ष है, अंजू है। तो इसी के जरिए फिर ये सेकेंड चांस, दूसरा मौका महिलाओं के लिए आया। हमारी महिलाएँ तो बहुत सारी हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है किसी कारण, वजह से पारिवारिक स्थिति के कारण, या बाल विवाह होने के कारण, या ससुराल रहने की वजह से। तो फिर हमने भी बात रखी, महिलाओं से बात करी, गाँव में समूह में जाके भी बात करी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एजुकेटर का पद मिल जाएगा, फिर बाद में पता चला कि मुझे एजुकेटर का पद मिला है। तो सर ने बताया मुझे कि आपकी सैलरी 6,000 होगी, तो मैं उस टाइम बहुत खुश हुई कि कहाँ मैं 1,500 रुपये और कहाँ मेरी 6,000 सैलरी। पहले तो महिलाओं ने मना कर दिया था कि हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अब तो हमारी उम्र निकल चुकी है। तो मैंने समझाया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, अगर अपन पढ़ेंगे, हम खुद महिलाएं पढ़ेगी, तो बच्चे को बाहर ट्यूशन रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, कम से कम वो पैसा तो अपना घर में बचेगा। छोटा मोटा रोजगार चाहे खुद का हो चाहे बाहर, कर तो सकते हैं ना। जैसे ही हमने एडमिशन किया तो बुकें आने लग गई, तो उनको और ज्यादा विश्वास हो गया कि रियल में ये दूसरा मौका है उनके लिए। तो फिर उनको और ज़्यादा खुशी हुई कि एक तो हम स्कूल में जाते थे तो खुद अपने पैसों का खरीद के लाते थे, और एक इतने से पैसों में हमें सब कुछ मिल रहा है, प्लस हमारे घर पे ही क्लास लग रही है। ये बात महिलाओं में और ज़्यादा फैल गई, तो हमारे एडमिशन और ज़्यादा होने लग गए। जब परिस्थितियों ने हमें एक नहीं कई बार रोका, तब जिंदगी ने हमें दिया दूसरा मौका। दूसरा मौका हुनर बढ़ाने का, दूसरा मौका कुछ कर दिखाने का, दूसरा मौका
आगे बढ़ने का।